हाय फ्रेंड्स, कृष्णा किचन में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेसिपी चीजी स्टफ मशरूम्स की। ये बहुत ही अच्छा स्टार्टर है। यहाँ पे हम मशरूम्स लेंगे। कोशिश करें आप थोड़े बड़े साइज के बाजार से खरीद सकें। और अब इसे अच्छे से पानी से धोना है। इसकी सारी मिट्टी अच्छे से हटा देनी है। बहुत ही हल्के हाथ से इसे साफ करना है। अब यहाँ पे इसे हम स्कूप कर लेंगे। ये इसका जो निचला हिस्सा है, इसे धीरे से हम निकाल लेंगे और इसमें थोड़ी जगह बनाएंगे ताकि हम स्टफिंग कर सकें। चम्मच की सहायता से अंदर हम थोड़ा और गैप करेंगे। मशरूम स्कूप करते टाइम हमें बहुत ही हल्के हाथों से काम करना है ताकि हमारा मशरूम टूटे नहीं। इसी तरह से हम सारे मशरूम स्कूप कर लेंगे। मशरूम बहुत ही गुणकारी होते हैं। इनकी कैलोरीज बहुत कम मात्रा में होती है इनमें, और इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन डी इनमें अच्छी मात्रा में होता है। ये बहुत ही हेल्दी स्टार्टर है। यहाँ पे हमने सभी मशरूम स्कूप कर लिए हैं। बचे हुए हिस्से को हम स्टफिंग में काम लेंगे। चलिए देखते हैं स्टफिंग कैसे तैयार करनी है। हम अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे, बारीक कटे प्याज लेंगे, बारीक कटी शिमला मिर्च और बारीक कटे मशरूम लेंगे। थोड़ा सा तेल गरम करेंगे कढ़ाई में। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब इसमें प्याज डालेंगे। प्याज थोड़े कुक होने पर इसमें शिमला मिर्ची डाल देंगे। अब इसमें हम दो ही मसाले डालेंगे, थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च। अब इसमें हम बारीक कटे मशरूम डाल देंगे और एक बड़ा चम्मच पनीर डालेंगे। इसे अच्छे से मिला लें। ये हमारी स्टफिंग तैयार है। स्टफिंग हमें सभी मशरूम्स में अच्छे से भरनी है, अच्छी क्वांटिटी में। स्टफिंग में ऐसा कुछ नहीं है आपको इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करना है। आप कोई सी भी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो प्याज और टमाटर की भी स्टफिंग बना सकते हैं। यहाँ पे हमने सभी मशरूम्स को स्टफ कर लिया है। अब इनके ऊपर बारीक कसी हुई चीज लगाएंगे ताकि हमारे मशरूम्स काफ़ी चीजी बने, खाने में मज़ा आए इनको। यहाँ पे चीजी स्टफ्ड मशरूम्स तैयार हैं कुक करने के लिए। इसे चाहे तो आप बेक करें, ऑक्सी फ्राई करें या फिर कढ़ाई में गरम करें। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लें और सभी मशरूम इस तरीके से कढ़ाई में रख दें। अब इसको पकाने के लिए इसको तेज या मध्यम आंच पर ही पकाना है हमें, 3 से 4 मिनट के लिए। मशरूम पानी छोड़ देते हैं। यहाँ पे इस स्टार्टर में हमें चाहिए कि वे पानी ना छोड़े, इसलिए हम उसे तेज आंच या मध्यम आंच में ही पकाएंगे। यहाँ पे हमारे ये पक चुके हैं। चीज अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। इसे प्लेटिंग करके इसके ऊपर थोड़ा सा ओरिगैनो स्प्रिंकल करें। हमारे टेस्टी चीजी स्टफ्ड मशरूम्स तैयार हैं खाने के लिए। आप अपने घर में इसे जरूर बनाएं। यह बहुत ही अच्छा स्टार्टर है। हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें।